नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको त्रिकुट पर्वत का टूर कराते हैं। तो ये देवघर जिला में स्थित है, तो आपको ले जाएंगे। देवघर झारखंड में ये स्थित है। तो चलिए आपको जो है वहां का पूरा डिटेल दिखाते हैं। वहां पर जो है जो त्रिकुट का पर्वत है वो आपको दिखाएंगे, साथ ही वहाँ मंदिर है और जो है बाकी सारा चीज़ दिखाते हैं। वहाँ पर रोप वे भी है, लेकिन रोप वे अभी चालू नहीं हुआ है, तो सारा चीज़ आपको अभी दिखाएंगे। ये त्रिकुट पर्वत का मुख्य द्वार है, यहीं से आपको यहां पर जो है पर्वत में आप जा सकते हैं, त्रिकुट में यहां से आप जा सकते हैं। तो ये दुमका और देवघर का जो मुख्य मार्ग है उसी में स्थित है। तो यहां से आपको अंदर आना है मंदिर की ओर। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहां का नज़ारा है, देखिए। अरे बंदर, बंदर का चित्तड़ के रंग लिया। यह पार्किंग के लिए जगह है। अगर यदि आप गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना गाड़ी को। अब यहाँ से आप पर्वत की ओर यहाँ से जा सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है ये मुख्य मार्ग है पर्वत में जाने का। यहाँ पर जो है बंदर का बहुत ज़्यादा संख्या है, तो बंदर से आपको यहाँ पर बच के रहना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको बंदर मिलेगा। से रोपवे जाने का रास्ता है, लेकिन अभी जो है रोपवे अभी बंद है। देख सकते हैं इधर से ही रोपवे में आप जा सकते हैं, लेकिन अभी इधर क्लोज कर दिया गया है क्योंकि अभी रोपवे चालू नहीं है, जिस वजह से इधर जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में बंदर है। तो उसके लिए आप भोजन यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है इधर से आप पर्वत में जा सकते हैं, चोटी पर इधर से जा सकते हैं। पर्वत का जो है जो मुख्य चोटी है वहाँ तक यहाँ से आप जा सकते हैं, जो ऊंचा चोटी है। देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन सीढ़ी आपको मंदिर तक ही मिलेगा। उसके बाद आपको जंगली रास्ता से जाना है, थोड़ा रास्ता खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऊपर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बंदर सब रहता है, तो आपको थोड़ा इसमें बच के जाना है। देखिए ये जो है इधर से ही रोपवे जाने का रास्ता है, देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड वाला जो है ये आपको रोपवे की ओर ले जाएगा। देखिए यही रास्ता है रोपवे में जाने का। देखिए यहाँ पर जो है मदरों को खाना खिलाया जा रहा है, देख सकते हैं।
मानव सेना यहाँ पर बहुत तादाद में है, देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको ले जाते हैं जो मुख्य चोटी है त्रिकुट पर्वत का, वहाँ पर आपको ले जाते हैं। देखिए यही सीरीज को आप यूज करके जा सकते हैं ऊपर तक। देखिए साइड में आपको दुकान भी मिलता है, तो यहाँ आप सामान भी खरीद सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारा दुकान है। कावर चौक से और आना होगा नीचे तरफ। हम नहीं जाएंगे छूटने वाली बात तो है। वह सपना नहीं आवत रहे। भाई जी की मिले तुरा बते भी तो हेलो यहाँ पर देखिए मंदिर है, यहाँ से आप मंदिर में जा सकते हैं। और जो है आपको अगर ऊपर जाना है तो लेफ्ट साइड में देखिए ये रास्ता है ऊपर जाने का, देख सकते हैं। यहाँ से आप जो मुख्य चोटी है इसका, सबसे मुख्य चोटी जो है, इस रास्ता से आप जा सकते हैं। और इधर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर को भी आपको दिखाएंगे। देखिए इस रास्ते को जो है आप यूज करके ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। आगे जंगली पथ है, स्थानीय लोग को लेकर ही ऊपर जाएं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक स्थानीय आदमी को ले कर ही ऊपर जाना है, क्योंकि आगे खतरा है, देख सकते हैं। पापा अमेरिकन मंदिर, ये मंदिर का नज़ारा है, देख सकते हैं। और जो है इधर से आप ऊपर तक जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जंगली रास्ता, इधर आपको सीढ़ी बहुत कम मिलेगा, बस यही पत्थर वाला रास्ता से ही आपको ऊपर तक जाना है। देखिए इसी प्रकार से आपको रास्ता मिलेगा। ऊपर जाने के लिए आपको इसी प्रकार का रास्ता मिलेगा। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ गणेश का मंदिर मिलता है, तो सबसे शुरू में ही आपको राइट साइड में गणेश का मंदिर मिल जाता है। बाकी इधर बाकी देवी देवताओं का सभी का यहाँ पर मंदिर भी है। तो
चलिए आपको सारे का यहाँ पर दर्शन कराते हैं। सबसे पहले गणेश का मंदिर में यहाँ पर जाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से मंदिर है। यहाँ पर एक झरना भी है जिससे लगातार यहाँ पर पानी निकलते रहता है, उसको भी आपको अभी दिखाएंगे। ये शिव मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट सामने में आपको माँ पार्वती का भी मंदिर यहाँ पर मिल जाता है। इधर माँ दुर्गा का मंदिर है, देख सकते हैं ये। यहाँ पर अगर यदि हाथ में मोबाइल है तो आपको होशियारी से रखना है, क्योंकि बंदर आपका मोबाइल छीन सकता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बंदर लोग यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हनुमान मंदिर यहाँ पर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जो है हनुमान मंदिर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये झरना है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पानी निकलते रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये झरना है, यहाँ पर पानी यहाँ पर निकलते रहता है। थोड़ा देर ये मंदिर का जो ऊपर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार का, देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही सारा डिटेल्स था त्रिकुट पर्वत का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।